हेलो एवरीवन आज हम देखेंगे कि पुराने और नए रिजिम से टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है हमारा टैक्स लाख तो बजट में आ चुके हैं और कौन सा हमारे लिए सबसे ज्यादा टैक्स बचाने में हेल्पफुल रहेगा वो हम देखेंगे तो पुराने और नए रिजिम के टैक्स लैब्स और टैक्स रेट जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आप इसका इस स्क्रीन शॉट लेके आपके रेफरेंस के लिए रख सकते हैं तो पहले तो पुराने रिजिम के साथ एक पर्सन का टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे मान के चलिए कि इस व्यक्ति की एनुअल सैलरी जो है वो है ट्वेल्व लैक्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड इस साल के बजट में सैलरीड इंडिविजुअल के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले जो फिफ्टी थाउजेंड था उसे बढ़ाकर सेवेंटी फाइव थाउजेंड कर दिया है और वो दोनों रिजिम के लिए वैलिड है मतलब सैलरीड इंडिविजुअल है तो वो अगर ओल्ड टैक्स लैब ले या न्यू टैक्स

टेन लाख ,00 की और वही अगर न्यू रिजिम से कैलकुलेट करें तो ट्वेल्व दैट इज माइनसेंड डिडक्शन ट्वेल्व लाख बचेगा और उसके ऊपर कोई भी रिडक्शन वो क्लेम नहीं कर सकता है बिकॉज ही हैज ऑप्टेड फॉर न्यू रिजिम तो उसका टैक्सेबल इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर इज गोइंग टू बी 12 लाख ,00 तो बस अभी हम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे 10 लाख ,00 पर पुरानी रिजिम के तहत और 12 लाख ,00 पर नए रिजिम के तहत जो है और देखेंगे कौन सा ज्यादा टैक्स बचा रहा है भारत में हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है वो फॉलो करते हैं और टैक्स कैलकुलेट होता है तो इनिशियल जो टू लाख फिफ्टी थाउजेंड है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है नेक्स्ट स्लैब आ रहा है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड से फाइव लैक्स तक का तो फाइव लैक्स माइनस टू लाख फिफ्टी थाउजेंड करेंगे आएगा टू लाख फिफ्टी थाउजेंड और उसके ऊपर

टैक्स लाइबिलिटी इससे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे सेस भी कंप्यूट होगा एट द रेट ऑफ फोर परसेंट रहा है इंडिविजल तो उसका टोटल टैक्स लाइबिलिटी है 1, 17, का. हमने हाइएस्ट टैक्स लैब जो है इसके लिए लिया है ट्वेंटी परसेंट का क्योंकि इसकी टैक्सेबल सैलरी जो है वो टेन

थ्री लैक्स टू सेवन लैक्स का जो स्लैब है उसके ऊपर लैख तो का ये डिफरेंस है, 7 3 lakhs, उसके है 5 के से ये आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड मीस फोर लैक्स इंटू फाइव परसेंट नेक्स्ट स्लैब है सेवन लैक्स से टेन लैक्स तक का यहाँ पे टैक्स रेट है टेन परसेंट का दैट मीन्स टेन लैक्स माइनस सेवन लैक्स गिवस यू थ्री लैक्स और थ्री लैक्स के ऊपर टैक्स कंप्यूट होगा एट द रेट ऑफ टेन परसेंट दैट इज थर्टी थाउजेंड और सिंस ये बारह लाख की इनकम है तो नेक्स्ट टैक्स लैब भी कंसिडर होगा जो है टेन लाख से लाख तक का और ये डिफरेंस आ रहा है दो लाख का तो दो लाख के ऊपर थाउजेंड so so, और यहाँ पे अगेन तो लगना ही है जो है थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे होने वाली है एटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स रिजिम जो है वो बहुत ज्यादा टैक्स सेव कर रहा है इसलिए इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग